हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नेम है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में अब एक फॉर्मूला आएगा जो मैं आपको पहले लिख रहता हूँ। यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए आपको पता ही है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, जो भी सीक्वेंस में पहली टर्म होगी उसकी वैल्यू। एन इज द नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स हैं या किस टर्म की बात हो रही है उसका लिखा जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो टर्म नंबर। डी आपको पता है ये भी कॉमन डिफरेंस, एंड ए एन इज द वैल्यू ऑफ एनथ टर्म। तो एन की जो वैल्यू होगी उसकी क्या वैल्यू है उसको ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ओके ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है जो हमें कंप्लीट करना है। कुछ वहां पे जगह उन्होंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। पहले पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक बड़ा आसान है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 3। सो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो इट विल बिकम 7 इंटू 3 21। तो 7 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 28 और इस तरीके से आपका ए एन की वैल्यू आ गई। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। ए की वैल्यू गिवन है -18, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी हमें नहीं पता कॉमन डिफरेंस, एन टर्म नंबर है 10 और ए एन की वैल्यू है 0। तो आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू है -18, एन की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू नहीं पता और ए एन की वैल्यू 0 है। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी 9d। 18 जब आप राइट हैंड साइड भेजेंगे तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, सो डी इज इक्वल टू 18/9 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना आ गया है, 2 आ गया है और ये सेकंड पार्ट भी हमारा फिनिश हुआ। लेट अस डू पार्ट नंबर 3। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, डी डी हमारे पास गिवन है माइनस का 3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है माइनस का 5। चलिए फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला है बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूँ हर पार्ट में क्योंकि जब हम लोग उसको बार बार लिखते हैं तो एक स्टेज पे आके हमारा माइंड इस चीज को कॉपी कर लेगा और हमें याद हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं, 18 में से 1 गया 17 मल्टीप्लाई बाय -3, 17 इंटू 3 51, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा। 51 आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम प्लस का 51। सो ए की वैल्यू हो गई 51 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 46। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी डन हो गया। ओके क्लियर करते हैं, लेट अस डू फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू नहीं पता हमें और ए एन इज इक्वल टू 3.6 है। चलिए फॉर्मूला हमारे पास है, अप्लाई कर देते हैं।
ए की वैल्यू है -18.9, एन हमें नहीं पता तो एन को नहीं कुछ पुट करेंगे, डी की वैल्यू है 2.5। ब्रैकेट प्रॉपरली लगा लें, नहीं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबली आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 की एन से 2.5 एन, 2.5 को 1 से किया 2.5 इक्वल टू 3.6। 18.9 नेगेटिव का है और 2.5 ये भी नेगेटिव का है, तो जब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा। 4, 11 एंड इट विल बिकम 2, सो 21.4। 2.5 एन अलग रहेगा क्योंकि इसके साथ एन लगा हुआ है तो ये प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। 2.5 एन एक साइड पे और 21.4 जब इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव, इसको आप ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 25। सो एन की वैल्यू आ गई है 25 डिवाइडेड बाय 2.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आई एम गेटिंग 10। तो यानी कि एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 10 आएगी, और इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी मेरा डन हुआ। नाउ लेट अस टू फिफ्थ पार्ट। ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 एंड ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला यू नो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू है 3.5, एन है आपके पास 105 और डी है 0। अब आपको पता है किसी भी नंबर को अगर आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारे पॉइंट मतलब सारा चीज 0 हो जाती है। तो 104 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे आई विल गेट 0, एंड किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ जाएगी। वैसे भी अगर डी 0 होता है तो आप कोई मर्जी टर्म उठा लो हमेशा वो सेम ए के इक्वल ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स आपके डन हुए और ये आपका पहला पार्ट खत्म हुआ। चलिए नाउ लेट अस डू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें चॉइस एमसीक्यू दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कहा है 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी है उसकी 30th टर्म हमें बतानी है, और हमारे पास जो एपी गिवन है वो है 10, 7, 4 और ऑप्शंस आर 97, सेकेंड ऑप्शन है 77, थर्ड ऑप्शन इज -77 एंड ऑप्शन डी इज -87। चलिए ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 30th टर्म मतलब मुझे ए 30 पता करना है। ए की वैल्यू है मेरे पास 10, एन की वैल्यू 30th यानी कि 30, डी डी निकालने का तरीका आपको पता है, हमने 5.1 में डिस्कस किया हुआ है, a2 - a1। तो a2 की वैल्यू 7 है, a1 की वैल्यू 10 है, तो आई एम गेटिंग -3। चलिए 10 + 30 में से 1 गया 29 और माइनस का 3 आ गया, तो 10 - 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, तो 10 में से 87 गया -77। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो आप देख सकते हो जस्टिफाई कैसे करने का मतलब कि आपको ये सॉल्व करके बताना है। तो 30th टर्म क्या आएगी, -77 आएगी इस एपी में। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आई हैव टू फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी, एपी की 11th टर्म पता करनी है, और मेरे पास एपी है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। चलिए ए की वैल्यू है -3, डी निकाल सकते हैं हम लोग। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, a2 - a1, तो a2 - a1, एक फॉर्मूले का नेगेटिव और एक वैल्यू में मैं नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस 3,
12 से आ जाएगा, -1 +6, सो आई विल गेट 5/2। तो एन की वैल्यू 11 है। अब आपके पास सारी टर्म्स आ गई हैं, तो आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, और डी हमारा 5/2 आ रहा है। -3, 11 में से 1 गया 10, 5/2 ये कट हो जाएगा। 5 × 5 25, 25 में से 3 गया 22, तो राइट ऑप्शन इज 22। मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ 28, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है -38 एंड ऑप्शन डी है -48, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 22 ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए क्लियर करते हैं। उसके बाद है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। कुछ टर्म्स बॉक्सेस में मिसिंग है, आपको वहां पे बताना है कि क्या टर्म्स आएंगे। चलिए, तो मेरे पास जो पहला पार्ट है उसमें है 2, फिर उसके बाद है एक बॉक्स और उसके बाद है 26। अब यहाँ पे करने का बड़ा ही आसान मेथड है। ये जो पहली टर्म होती है इसको बोलते हैं A1। जो यहाँ पे अभी बॉक्स है तो ये दूसरे नंबर पे है तो ये हमें पता नहीं, और A3 थर्ड टर्म है आपके पास 26। अब आपके पास An का फॉर्मूला है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक तरीका यहाँ पे अपने दिमाग में बिठा लीजिए सभी, जितना A के पैर में यहाँ पे नंबर है n, D का जो कोफिशियंट होगा वो n से एक कम होगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा, 10 है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है n-1 कि जो आप n यहाँ पे बोल रहे हो वहां पे d के साथ एक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे सपोज करो a3 अपन पुट कर रहे हैं, n की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो a+3-1d। तो देखो a+2d हो गया ना, देखो एक पैर से कम हो गया, तो मतलब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू, जैसे a10 निकालना है तो a+9d लिख सकते हो, a+6d लिख सकते हो, अगर a7 की बात हो रही है तो इससे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो मतलब मेरे को a+2d जो है वो a3 के इक्वल मिल गया। a की वैल्यू 2 है, d हमें नहीं पता लेकिन a3 हमें पता है 26 है। 2 को शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ तो इट विल बिकम 24, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2 डिवाइड में चला जाएगा 12, तो कॉमन डिफरेंस से 12 आ गया है। अब आपको पता है ए टू निकालने का तरीका क्या है, प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दें, तो प्रीवियस टर्म 2 है और डी 12 आया है, तो आई एम गेटिंग 14। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा, ए टू में 14 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो बॉक्स था ब्लैंक वो भरा गया। सेकंड पार्ट करते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला ही आपको बॉक्स है यानी कि हमें टर्म पता नहीं, नेक्स्ट है 13, उसके बाद अगेन एक बॉक्स है और उसके बाद है 3। चलिए, तो बॉक्स पहला खाली है तो यानी कि A1 नहीं पता, सेकंड A2 है दैट इज 13, नेक्स्ट भी बॉक्स खाली है तो ये A3 हो गया, और नेक्स्ट है A4, दिस इज इक्वल टू 3। अब An का फॉर्मूला a+n-1 × d, तो जो जो वैल्यूज पता है पहले उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे टर्म्स बना लेते हैं। जैसे A2 की वैल्यू 13 है तो हम लोग n की जगह 13 पुट कर देते हैं। अब देखिए 2-1 वन वन इंटू डी डी, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जितना पैर में होगा उससे एक कम ले लेना है आपने, तो डी के आगे क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ए टू की वैल्यू 13 है तो इसका मतलब ए टू को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 13, तो ये इक्वेशन मेरी 1 बन गई क्योंकि ना मुझे ए पता है ना मुझे डी पता है। अब आगे मुझे A4 की वैल्यू पता है तो एन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 4, तो a+4-1 3d। अब a+3d इज इक्वल टू, A4 की वैल्यू है 3, तो इक्वेशन ये भी तैयार हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे बाय
एलिमिनेशन मेथड। और आपको पता है एलिमिनेशन में क्या करना होता था? आपको दोनों टर्म्स लिख लेनी होती थी, ए प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब आपको करना क्या है, ए वाले देखिए कोफिशियंट इक्वल है तो ये कट जाएंगे, लेकिन कट करने के लिए आपको साइन अलग करने हैं, तो इसका मतलब हम लोग इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जाने वाले हैं। और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के चेंज। तो ए में से ए गया खत्म, डी में से 3D गया तो माइनस का 2D, 13 में से 3 गया 10, यानी कि -2D जो है वो इक्वल टू 10 आ गया। तो D की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5। अगर आपके पास D आ गया है तो आप इसको 1 में यूज करके A निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पुट D इज इक्वल टू -5 इन 1, तो A प्लस D की वैल्यू -5 इक्वल टू 13। तो ए माइनस 5 इज इक्वल टू 13, और 5 राइट हैंड पे शिफ्ट कर दे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू आएगी 18। चलिए अब हमारा काम है A3 फाइंड करना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब A3 फाइंड करने के लिए हम लोग An का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करनी है मुझे, तो A3 इज इक्वल टू, लॉजिक क्या कहता है, n की वैल्यू से एक कम कर दो d का कोफिशियंट, तो 3 -1 2d। a की वैल्यू अभी भी आप निकाली हुए तो 18 आ गया, और d की वैल्यू हमें फाइंड की थी दैट इज -5। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, सो 18 में से 10 गया 8 आ गया, और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है और आपका बॉक्स भी फिल हो चुका है। तो ये सेकंड पार्ट हमारा डन हुआ। नाउ लेट अस डू थर्ड पार्ट। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है आप लोगों ने, और जो टर्म्स दी हुई हैं बस उनको ध्यान रखना है कि A1 है, A2 है, क्या है। ओके, तो 9 1/2 को हम लोग इधर सॉल्व करके लिख लेते हैं, 9 into 18 1 19 19/2। तो ए फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 5, A2 ब्लैंक है पता करना है हमें, A3 भी ब्लैंक है पता करनी है, और A4 की वैल्यू है 19/2। ओके, An का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस n-1 into d इज इक्वल टू An। A की वैल्यू 5, n की वैल्यू हम देखिए, हमें यहाँ पे A1 पता है, A2 A3 नहीं पता, तो हम लोग A4 का यूज करेंगे। यहाँ पे 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे 3D सीधा ही लिख सकते थे, इज इक्वल टू A4। तो A प्लस 3D, D हमें नहीं पता तो हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, और A4 की वैल्यू 19/2 है। 5 जो है आप उसको राइट हैंड पे भेजेंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 19 -10, सो 9/2, तो डी की वैल्यू आ गई है 9/2 multiply by 1/3, ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो डी की वैल्यू आ गई है आपके पास 3/2। अब D आ चुका है, A आपको पता है, तो हम लोग क्या A2 और A3 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बाय फॉर्मूला A2 का क्या होगा, A प्लस D, A प्लस D, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13/2। क्या हम लोग A3 भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, A+2D, तो A+2 into D, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। हमें सेकंड और थर्ड पता करना था, यहाँ पे बॉक्स में क्या कुछ आएगा, सेकंड में 13/2 आ जाएगा और थर्ड में 8 आ जाएगा। ओके जी, फोर्थ, -4 और उसके बाद बॉक्सेस।
बॉक्स आपके पास 4 बॉक्सेस हैं जो आपको भरने हैं, और लास्ट टर्म आपको दे दिया 6। चलिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही टर्म्स हैं। तो A1 की वैल्यू है -4, A2 भी नहीं पता हमें, A3 भी नहीं पता, A4 भी नहीं पता, A5 भी नहीं पता। हाँ, A6 हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 6। तो आसान है, An का फॉर्मूला ही यूज करना है हमें और हमारी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। A की वैल्यू है -4। हम लोगों को क्योंकि ये तो पता नहीं, तो हम लोग इनका यूज तो नहीं कर पाएंगे अभी, तो हम लोग सीधा A6 का यूज करने वाले हैं। तो N की वैल्यू 6 है, D नहीं पता, A6। तो -4 + 5D इज इक्वल टू 6। तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 4 10, तो D की वैल्यू आ गई 10/5, दैट इज इक्वल टू 2। तो D आ गया है आपके पास, 2 आ गया। अब D भी है, A भी है, तो अब हम लोग A2 फाइंड कर सकते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है A+D, तो -4 + D की वैल्यू आई अपने पास 2, तो माइनस का 2 आ गया। A3 की वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला, A+2D, तो A+2×D, दैट इज -4 + 4 इक्वल टू 0। A4 के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, A+3D, तो A है -4 और D की वैल्यू है 2, तो -4 + 6 इक्वल टू 2। A5 भी निकाल सकते हैं, A+4D, A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू है 2, तो आई एम गेटिंग -4 + 8 इक्वल टू 4। A6 भी निकाल सकते हैं, A+5D, A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू है 2, तो -4 + 10 दैट इज इक्वल टू 6। देख सकते हो आप लोग, मैच कर गई पूरी पूरी वैल्यू प्रॉपरली। तो इस तरीके से आपका जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। माइनस का 2, देन 0, देन +2, देन +4 एंड +6। चलिए, नाउ लेट अस डू पार्ट नंबर 5th। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पहला बॉक्स है यानी कि हमें A1 नहीं पता, देन A2 38 हो गया, देन 3 बॉक्सेस आर देयर, 1 2 3, और फिर एक और टर्म पता है -22। तो A1 नहीं पता क्वेश्चन मार्क, A2 है 38, A3 क्वेश्चन मार्क, A4 क्वेश्चन मार्क, A5 क्वेश्चन मार्क, A6 -22। चलिए, तो A+N-1×D इज इक्वल टू An, फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब तो A नहीं पता हमें, सेकंड पता है, A2 और A6 पता है, तो यानी कि हमें इनसे ही 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो पहले N की वैल्यू 2 ले लेते हैं अपन, D नहीं पता हमें और A2, तो ये बन गया आपके पास A+D इज इक्वल टू 38। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग पुट करेंगे 6 वैल्यू एन की, तो 6 - 1 A6, तो A+5D और A6 की वैल्यू है -22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बाय एलिमिनेशन, 2 वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन से एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा आपको। बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, तो एक इक्वेशन को ऊपर लिख दें और दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख दें। कोफिशेंट्स इक्वल हैं, बिल्कुल ए के कोफिशेंट इक्वल है, लेकिन डायरेक्टली कटेंगे नहीं, उनके लिए हमें साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, तो सब्ट्रैक्शन, तो माइनस माइनस प्लस। तो ए से कट गया, डी में से 5D गया, -4D, 38 में 22 ऐड करेंगे, इट विल बी 60। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 60/ -4, यानी कि -15। तो D आ गया है, अगर D आ गया है तो आई थिंक आपके पास A के निकालने का तरीका पता चल गया। तो D की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो A+D की वैल्यू इज इक्वल टू
38, 15 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 38 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 53। अब ए भी आ गया है, डी भी आ गया है, अब आप लोगों को जो जो टर्म्स पता करनी है वो आप पता कर सकते हो। ए का हमारे पास आ चुका है 53, तो हम लोग यहाँ पे 53 लिख देते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी टर्म, A3। A3 का फॉर्मूला यू नो, ए प्लस 2D, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू -15 है वो भी पुट कर दी, सो 53 -30 दैट इज 23। सिमिलरली A4 पता कर लेंगे, ए प्लस 3D, ए की वैल्यू है 53, तो 53 पुट कर दें, डी की वैल्यू है -15 तो -15 लिख दें, 3 × -15 45, तो ये आ गया आपके पास 8। A5 एक और पता करनी है, तो ए प्लस 4D, ए की वैल्यू यू नो 53, डी की वैल्यू यू नो -15, तो 53 - 60 दैट इज इक्वल टू -7। ओके, स्पेस का चक्कर, चलिए 50 यहाँ पे कर देते हैं। A5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D, 53 + 4 × -15, 53 - 60 दैट इज इक्वल टू -7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 23, ये आपका वैल्यू बन गया है 8, और ये आपकी वैल्यू बन गई है -7। और इस तरीके से आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी डन हो गया। तो आपके 5.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन डन हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, इनका रिवीजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।